अच्छा, लाइफ में पहली बार अवार्ड मिला था, इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा। कोविड के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वो हाँ अच्छे वर्क कर रहे हैं और उसको उसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। कि हमको कुछ अवार्ड दिया जा रहा है तो उसे हौसला मिलता है कि अच्छा इस साल इतना किए हैं, अगले साल इससे ज्यादा अच्छा करें तो इससे ज्यादा हमें अवार्ड दिया जाए या फिर सम्मानित किया जाए। सम्मान मेधा का, सम्मान प्रतिभा का, दरअसल ये हौसला देता है ऊंची उड़ान का। इंटर परीक्षा में जिले भर के वैसे छात्र जिन्हें 350 से अधिक अंक प्राप्त हुए थे उन्हें चयनित कर मिथिला एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित इस सम्मान समारोह में लगभग 350 छात्रों ने भाग लिया। इनमें से दर्जनों छात्र ऐसे थे जिन्हें मिथिला एक्सीलेंस अवार्ड के रूप में जीवन का पहला अवार्ड मिला था, जिसके बाद उनका हौसला बढ़ चुका था, चेहरे पर खुशी के साथ उत्साह था। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत कई नामचीन शिक्षाविद और सामाजिक लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी ने एस्पायर फाउंडेशन के चेयरमैन आकिब नजर की इस पहल की जमकर सराहना की। क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। कितना मार्क्स आए थे? 404। कैसा लग रहा है एक्सीलेंस अवार्ड मिलने के? बहुत अच्छा, लाइफ में पहली बार अवार्ड मिला था इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छा। आगे क्या करना है? आगे सीए फाउंडेशन। ये बताइए आपको मिथिला एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा, मैं तो कहती हूँ सबको मिलना चाहिए जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्या नाम है बाबू आपका और कितने मार्क्स आए थे आपको और किस स्ट्रीम से हैं? सबसे पहले तो मेरा नाम सामिया सरफराज है और मुझे 12th में 359 मार्क्स आए, फर्स्ट डिवीजन। और मैं बीएससी, मैं सॉरी सॉरी साइंस से थी, साइंस से। ये बताइए किस कोचिंग से पढ़ाई थी? यहाँ हमारे अनवर सर पढ़ाते हैं, उनका एरोमेटिक केमिस्ट्री क्लासेस है और वहीं पे हमारी लोकली ट्यूशन से होते हैं। ये बताइए अभी आपको मिथिला एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि ग्लोबल ग्रुप ऑफ था, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा ऑनर फील हो रहा है ना, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो हम लोग पास करते हैं और ये सम्मानित किया जाता है ना कि हमको कुछ अवार्ड दिया जा रहा है तो उसे हौसला मिलता है कि अच्छा इस साल इतना किए हैं, अगले साल इससे ज्यादा अच्छा करें तो इससे ज्यादा हमें अवार्ड दिया जाए या फिर सम्मानित किया जाए। क्या नाम है आपका और कितना मार्क्स आया था 12th में? सर मेरा नाम मीना कुमारी है, मैं सीएम आर्ट्स कॉलेज दरभंगा की स्टूडेंट हूँ और मैंने आर्ट्स में 442 मार्क्स आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। कैसा लग रहा है अभी मिथिला एक्सीलेंस अवार्ड मिलने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ हार्ड वर्क करने पे कोई ऑनर मिलता है, सो ये हमको मोटिवेट करता है कि हम आगे और करें। इन लोगों का जो पहल है एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन का, ये कितना अच्छा लगा आपको? ये हम पहली बार एक्सपीरियंस किए हैं, आफ्टर 10th भी उतना नहीं हुआ लेकिन 12th के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वो हाँ अच्छे वर्क कर रहे हैं और उसको उसके लिए क्रेडिट मिलना चाहिए। नज़ीर साहब, मिथिला एक्सेलेंस अवार्ड रखा गया था एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन की जानिब से, आप यहाँ शामिल हुए थे, आपने मोटिवेशन भी दिया बच्चों को, कितना अच्छा पहल लगा ये आपको? जी मुझे बहुत अच्छा पहल लगा ये, आकिब नज़र साहब जो कि सीईओ हैं ग्लोबल फाउंडेशन के, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ये किया है मिथिला के जो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत खुशी हुई और ये बच्चे आगे बढ़ें यही हम सब कामना कर रहे हैं। सर अभी आप एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से एक अवार्ड सेरेमनी था, वहाँ बच्चों को सम्मानित किए, ये पहल किस तरह से लगा आपको, कितना अच्छा लगा? ये तो बहुत शानदार पहल है। सबसे बड़ी बात तो जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th किया है, उनकी खुशी में आपने चार चांद लगाया। इस बात के लिए मैं जो एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन के सर्वे सर्वा हैं आकिब नज़र, उनके जो सहयोगी हैं राजा खान और भी जितने लोग हैं, मैं उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि उनकी ये हिम्मत आगे भी बरकरार रहे, आगे भी जो हमारे बच्चे कुछ अच्छा जीवन में करें उनको पारितोषिक के तौर पर एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन के लोग आगे आएँ। सर अभी आप लोग एक अवार्ड सेरेमनी में आए थे, कैसा पहल है ये, आप लोगों को कैसा लगा बच्चों को सम्मानित करना? देखिए ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है और पहले भी इन लोगों की टीम जो एस्पायर ग्लोबल इंस्टीट्यूट की टीम है, आकिब नज़र हैं, राजा खान साहब इसमें आगे बढ़ के रहते हैं हमेशा, तो जो 10वीं पास या 12th पास छात्र छात्राओं को इन लोगों ने
हौसला बढ़ाने का काम किया है। वो सिर्फ सर्टिफिकेट मेडल नहीं है, बल्कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि बच्चों की जो आगे की शिक्षा है उसमें एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी देने का काम किया है। काफ़ी सराहनीय है, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, आज लगभग 250 से 300 बच्चों को आपने सम्मानित किया है अपने फाउंडेशन की जानिब से, आखिर मकसद क्या है इसके? इसका एक वाइड एक ही मकसद है, क्योंकि ये हम हर साल करते हुए आए हैं और कोविड के समय में हमारा ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था, उसके बाद से लगातार ये प्रोग्राम हो रहा है। मिथिलांचल के हर बच्चों को, जो भी एजुकेशन में हायर एजुकेशन से पीछे हैं, मेरा ये अपना एक सपना है, एक एम्बिशन है और हमारे फाउंडेशन का ये एम्बिशन है कि उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। हमको यहाँ बुलाने का एक ही मकसद था कि 350 नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं, जो उनसे 350 से ऊपर से नंबर जो लाने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों, वो बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम से ऊपर हैं, वो एवरेज स्टूडेंट से ऊपर हैं, उनको हम यहाँ बुलाएं और उनको सम्मानित करें और आगे हायर एजुकेशन के लिए उनको प्रमोट किया जाए। इसलिए हमने मिथिला एक्सीलेंस अवार्ड करवाया था और उन सभी बच्चों को हमने बुला करके यहाँ सम्मानित किया। आप एस्पायर एजुकेशन कंसल्टेंसी भी चलाते हैं, तो यहाँ से बच्चों के बाद, यहाँ से जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद पास आउट हुए हैं, अच्छे मार्क्स लाए, उनको आप किस तरह से गाइड करते हैं? देखिए, हमारी एक काउंसलिंग की टीम है, हमने एक काउंसलिंग रूम का कॉन्सेप्ट दिया है, उस रूम में हमारे एक्सपर्ट बैठे होंगे और जो बच्चे हमारे काउंसलिंग रूम के हिस्सा बनेंगे, हमारा कोई भी एंट्री फीस नहीं है, कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। हमारे काउंसलिंग रूम का जो भी बच्चे हिस्से बनेंगे, हम उनको आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए, हम उनके एलिजिबिलिटी और उनके मार्क्स के अनुसार, जो क्राइटेरिया जिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी का होगा उसके अनुसार, हम उनको प्रमोट करेंगे और आगे काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं? नहीं, वो हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, खास करके जो मेडिकल क्षेत्र से हैं, वो खास करके डॉक्टर्स हैं, और जो हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे IITs हैं, जो खास करके बिहार इंजीनियरिंग में भी बहाल हैं ऑलरेडी, वो गवर्नमेंट सर्विस में भी है, ऐसे लोगों को हमने हायर करके रखा हुआ है। वो लोग आते हैं, अपना कीमती समय 2 घंटा 3 घंटा रोज देते हैं वो हमारे काउंसलिंग रूम में। आकिब नजर, एस्पायर ग्लोबल फाउंडेशन के चेयरमैन और एस्पायर एजुकेशन कंसल्टेंसी के डायरेक्टर।